छेना जलेबी, उसके लिए हमने एक कप छेना ले लिया है। इसे अब हम एक प्लेट में निकालेंगे। इसमें 2 छोटा चम्मच मैदा का डालेंगे, 1 छोटा चम्मच सूजी का डालेंगे, बिल्कुल 1 चुटकी खाने वाला सोडा डालेंगे और 1 चुटकी पीला रंग डालेंगे। ये केसरिया रंग है, केसरिया रंग डालेंगे। ये भी 1 चुटकी डालेंगे। इन सबको डाल के अच्छी तरह से मिला लेंगे और 10 से 15 मिनट के लिए इस तरह हथेलियों से इसे मस लेंगे, तब तक जब तक कि ये चिकना ना हो जाए। छेना बिल्कुल चिकना हो जाना चाहिए मसलते मसलते। इस तरह हथेलियों से इसे मसलते रहें, 10 से 15 मिनट तक इसे मसलें। कलर आपके ऊपर है, आपका मन हो तो डालें वरना ना डालें, कोई जरूरी नहीं है कलर डालना। इसे मसलते हुए 15 मिनट हो चुका है, ये देखिए बिल्कुल चिकना हो चुका है। हमारी हथेली में पूरी अच्छी तरह से इसका घी आ चुका है। अब इसके लिए हम चाशनी तैयार करेंगे। उसके लिए हमने 1.5 कप चीनी ले लिया है। 1.5 कप चीनी में 3 कप पानी डालेंगे। चीनी को पिघलने देंगे, इसे हाई फ्लेम में पिघलने दें। चीनी पिघल रही है, इतनी देर हम इसकी छोटी छोटी लोई तोड़ेंगे। इस तरह छोटी छोटी लोई तोड़ लें। इस तरह लोई बना लें। अब हम एक लोई लेंगे और उसे इस तरह गोल करके लंबा कर लेंगे। इस तरह लंबा करके अब हम इसे गोल घुमा लेंगे। इस तरह धीरे धीरे इसे घुमाएं गोल। ये थोड़ा सा फटा फटा होगा, बहुत ज्यादा चिकना नहीं होगा। इस तरह इसे घुमा के इसके किनारों को अच्छी तरह से दबा के इसमें चटा दें ताकि ये खुले ना, और इस तरह सारी जलेबी को तैयार कर लें। चाशनी उबलना शुरू हो चुका है, इसे 5 मिनट तक इसी तरह उबालेंगे। इसमें कोई तार नहीं बनाना है, बस 5 से 7 मिनट तक इसी तरह उबाल लेना है। इसमें 2 इलायची इस तरह कूट के डाल देंगे ताकि एक इसमें अच्छी सा फ्लेवर आ जाए। चाशनी एक तरफ हो रही है, इतनी देर हम घी गर्म करने के लिए रखेंगे। घी गर्म हो रहा है, घी गर्म हो चुका है। इसे बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है, मीडियम गर्म करना है। अब इसमें हम छेना जलेबी को डालेंगे। फ्लेम को बिल्कुल मीडियम में कर दें। एक बार में बहुत ज्यादा छेना जलेबी ना डालें, 4 से 5 ही डालें। इसे सिकने दें। ये देखिए सब ऊपर आ चुके हैं अपने आप। अब इसे हम पलटेंगे और इसी तरह सारी जलेबी को मीडियम फ्लेम में उलट पलट के लाल लाल बिल्कुल तल लेंगे। चाशनी भी तैयार है, गैस को बंद करेंगे। सारी छेना जलेबी को इस तरह तलें, फ्लेम को मीडियम में रखें। ये बिल्कुल लाल हो चुके हैं, इसी तरह सारी जलेबी को फ्राई कर लें और अब इसे हम चाशनी में डालेंगे। इस तरह सारी जलेबी को चाशनी में डुबो दें। इसके लिए चाशनी थोड़ी ज़्यादा बनानी पड़ती है ताकि ये चाशनी में अच्छी तरह से भीग जाए। चाशनी गर्म होनी चाहिए, अगर चाशनी ठंडी हो गई हो आपकी तो उसे गर्म कर लें और अब इसे ढक के 1.5 से 2 घंटे के लिए इसी तरह छोड़ दें। छेना जलेबी
चाशनी में अच्छी तरह से भीग चुकी है। इसे 2 घंटे हो चुके हैं। अब इसे गरम गरम इस तरह सर्व करें। ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है और सबको बहुत ही पसंद आता है। इसे घर पे बनाएं और खाएं।